एक बार फिर से हम लोग सेम लोकेशन पे जहाँ पे आए थे कुछ दिन पहले। हेलो 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 हेलो, आप फिर आ गए आज? आज फिर से आए हैं, आज कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। आज किस लिए आप आज आए हैं? हम लोग जानने भाई, आप लोग डरे क्यों? डरे नहीं, डरने की बात तो है, पहली बार आपने इतना परेशान किया था, क्यों नहीं डरेंगे? ठीक है, आप डरिएगा नहीं। तो आज हम लोग फिर से आ गए यहीं पे, आज कुछ तोड़ा फाड़ी नहीं मचाएंगे, कुछ तोड़ेंगे नहीं, कुछ परेशान नहीं करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि तो कहाँ है चश्मा जी? नहीं, तोड़ना है नहीं, आज नहीं तोड़ने देंगे। आज यहाँ पे जो चश्मे है, आज हमने पुलिस बुला के रखी बाहर। ये जो चश्मे है लाइव देखेंगे कैसे बनते हैं, एकदम कटिंग से लेके फ्रेम में फिटिंग तक। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जैसे कि मैं चश्मा नहीं पहनता तो मुझे नहीं पता कि चश्मे आखिरकार कैसे तैयार होते हैं। तो आज यही सबका सवाल दूर होने वाला है कि चश्मे लाइव कैसे बनते हैं, पूरा देखेंगे। ठीक है, दिखाओगे ना आप? बिल्कुल दिखाएंगे। सही में देखो कितनी जल्दी मान लिया आज। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं FWS। अरे भाई कहाँ, मेरा चैनल है। आपका नहीं, चलिए चलिए, ये मेरा चैनल है। आज से आप लोग मुझे देखेंगे वीडियोस में, आप लोग उनको बोल जाइए, आज से ये चेहरा याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ से जाइए आप। ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग आज बनाने कंप्लीट करने वाले थे ये ऑर्डर अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि भाई कैसे बनते हैं चश्मे। ये देखो यहाँ पे लेंस है, ये लेंस कटेंगे कैसे, कटेंगे कैसे, फिट होंगे सब देखेंगे। चलो भाई जल्दी जल्दी दिखाओ, टाइम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो अमान भाई, सबसे पहले हमें पूरा प्रोसेस बताओ कि जब कुछ चश्मा बनवाने आता है तो कैसे बनाना स्टार्ट करते हो? सबसे पहले तो हम लोग उसकी आई टेस्ट करते हैं उस मशीन से जिसमें आपने मुझे परेशान किया था लास्ट टाइम। ये मशीन है, इस मशीन से कंप्यूटराइज टेस्टिंग होती है। उसके बाद ये मैनुअल टेस्टिंग किट है, इससे हम लोग ये ग्लासेस रखे हुए हैं, इससे नंबर चेक करते हैं। नंबर चेक करने के बाद जो फाइनल नंबर आता है उस नंबर का ग्लास लेते हैं। इस तरह के ग्लास होते हैं ये आप देख रहे हैं, ये साइज, इस साइज में ग्लास होते हैं। ये हमारे पास चश्मा है ये, इसमें हम लोग आज फिट करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये इसके दो ग्लासेस हैं, इसमें हम लोग फिट करके दिखाएंगे और देखेंगे कि ग्लास कैसे फिट होता है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, वहाँ पे ये जो मशीन रखी है, आखिरकार ये मशीन किस काम की जाए, इसके बारे में बताएं। लेंसोमीटर बोलते हैं इसको। अच्छा। ये क्या करता है, जो ग्लास हम लोग पास रेडी होकर आता है ना, उसका नंबर चेक करने के लिए, और इनकेस क्योंकि पावर दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्फेरिकल, एक होती है सिलेंड्रिकल। तो अगर सिलेंड्रिकल पावर होता है तो ये मशीन एक्सिस लगाने का काम भी आती है। अच्छा। नहीं तो स्फेरिकल नंबर होता है तो केवल इस पर, ये ग्लास है थोड़ा सा क्लोज लाना, इस पर अगर हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका पावर लिख के आ गया +1.25। मतलब ग्लास का पावर है, ये ग्लास का पावर है, ये मशीन बता देगी कि +1.25 का पावर का ग्लास है ये। अच्छा ठीक जी। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं सबके आँख के नंबर जो भी होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, तो ये बताओ मान भाई जी, इतने सारे नंबर होते हैं, किसी का माइनस, किसी का प्लस, किसी का तीन, किसी का जीरो, किसी का माइनस, उस उतने सारे अलग अलग लेंस क्या पहले से आपके पास है या फिर उनको बनाते हैं? नहीं, मेरे पास नहीं है, इसकी एक्चुअली लैब्स होती हैं। अच्छा। जहाँ पे सारे लेंस, कुछ लेंस मैक्सिमम लेंसेज जो होते हैं वो रेडी मिल जाते हैं। हाँ। जो स्टॉक में रेडी होते हैं। हाँ। और जो कुछ लेंसेज नहीं होते हैं वो लैब से बनकर आ जाते हैं, उसमें एक दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अच्छा। वो बनकर आ जाते हैं, तो लगभग सारे ही पावर के लेंसेज अवेलेबल हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि मैक्सिमम लेंस इनके पास स्टॉक में है और जो नहीं है वो लैब से बन जाते हैं। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है, ये लेंस काफी हल्का लगा है, पहले मैंने देखा कि बहुत भारी भारी लेंस होते थे, तो लेंस कई टाइप्स के होते हैं या फिर सिर्फ यही है? ऐसा नहीं है, लेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे होते इससे ज्यादा भी टाइप्स के हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 6 टाइप्स के लेंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सिंगल विजन में लेंसेज हैं, इसको बोलते हैं ब्लू ब्लॉक, जो कि आप जानते होंगे आजकल मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं इसको। ये होता है एंटी रिफ्लेक्शन कोट, ये नॉर्मल लेंस से 20% ज़्यादा क्लियरिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा। ठीक है, ये उसको बोलते हैं प्रिवेंशिया, ये बेसिकली होता ब्लू ब्लॉक ही है लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा। उसके बाद आता है फोटोक्रोमेटिक, ये सनलाइट के लिए होता है, धूप में जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये कलर चेंज कर लेता है। ये होता है बाइफोकल लेंस, इसमें आप देख रहे होंगे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, ये उनके लिए होता है जो आपके घर में जैसे मम्मी पापा लोग, दादा दादी लोग लगाते हैं। हाँ। उनके उनकी दूर की और पास की नज़र दोनों की कमज़ोर होती है, उस केस में ये बाइफोकल लेंसेज चलते हैं। फिर ये लास्ट आता है पॉलीकार्बोनेट, ये पॉलीकार्बोनेट होता है रिमलेस फ्रेम्स के लिए जिनमें रिम नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है ना, ग्लास नॉर्मली टूट जाता है बहुत जल्दी। हाँ। तो उसके लिए बना है पॉलीकार्बोनेट, ये अनब्रेकेबल बोलते हैं उसको हम लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में। अच्छा, तो ये जो लेंस है जो फ्रेमलेस इन वाले चश्मों के लिए, ये देखो क्योंकि इन फ्रेमों में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ये पंच फिटिंग होती है ना, तो यहाँ पर नॉर्मली ग्लास जो ये वाले ग्लास होते हैं वो टूट जाते हैं,
तो उसके लिए अलग से ग्लास आता है पॉलीकार्बोनेट, ये हैमर प्रूफ लेंस होता है। अच्छा। इस बार हैमर भी चला देंगे, हमको दे दो, एक तोड़ेंगे, तोड़ के देख लीजिए आप, नहीं टूटेगा किसी भी कंडीशन में। तो जब मैं शॉप पे था तभी एक कस्टमर ने पोलराइज सनग्लासेस मांगी, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि भाई आखिरकार पोलराइज सनग्लासेस क्या होते हैं। मैं तो पता कर लूंगा क्योंकि इसको जानने के लिए मेरे पास एक बहुत ही मस्त ऐप है जिसका नाम है फिलो। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन हो बोर्ड का या फिर जेईई नीट का, पढ़ाई में आने वाली किसी भी दिक्कत का सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें किसी भी टाइम बस 3 स्टेप में। सबसे पहले तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करें और अपने क्वेश्चन का फोटो लेके या फिर टाइप करके सबमिट करें। फिर फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो दोस्तों है ना कितना आसान, तो भाई डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दी है, आप लोग जाके जल्दी से फिलो ऐप को डाउनलोड करो। ये है आपके चश्मा जिसको हम लोग आज फिट करने जा रहे हैं। हाँ? ये इसका ग्लास है राइट और लेफ्ट का। अरे ये तो वो वाला है डबल लेंस वाला, डबल लेंस वाला बाइफोकल। हाँ? और ये इसके डेमो लेंस होते हैं जिससे हम लोग इस पर निशान लगाना सीखेंगे। इसके लिए हमको चाहिए एक मार्कर और इस पर हमने ये राइट का लेंस रखा। भाई निशान तो लगा लिया लेकिन इसके नाप कैसे काटोगे? इसके नाप कैसे काटेंगे? हाँ गुड क्वेश्चन। इसका नाप से काटने के लिए मेरे पास ये मशीन है, इसको बोलते हैं सीआर कटर। कौन सा सीआर? सीआर, सीआर नहीं, सीआर, सी और आर। अच्छा, सी फॉर कैट आर फॉर रैट। ये मशीन होती है, इसमें ब्लेड लगा होता है, सीआर कटर बोलते हैं इसको। इस पर हम जो निशान लगाते हैं उस हिसाब से इसको कटिंग करते हैं इसी मशीन से। तो देख लो मुझे पुराना लेंस दिया गया है, कंजूसी चल रही है। अब मुझे को इसमें से ये बच्चों का लेंस काट के निकालना है। फुल बचत योजना चालू है यहाँ पे। कोई बात नहीं, होता है। तो इस मशीन में कटिंग करने से पहले कोई सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन ये है कि काटने से पहले बस अपनी उंगलियों को जरा संभाल के इसको पकड़ने का तरीका ये है कि लेंस को पीछे से पकड़ना है, बैक साइड से, और इसको यहाँ पर ऐसे रखना है और इसको इस जब ये मशीन चलेगी तो ये ब्लेड घूमेगा। अच्छा, ब्लेड घूमेगा तब इसको ऐसे अपने आप ही आप इस पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये घिसता जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया। चलो चलते हैं, इतना परफेक्ट काटूंगा कि अगले दिन से मेरे को काम में रख लेंगे ये। Two hours later. Six hours later. देखो सर, ये देखो कितना परफेक्ट मैंने काटा है, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। रुक जाओ, ये आपने नहीं काटा है, इन्होंने ये काटा है, ये देखो आला बेला कैसा भी काट दिया इन्होंने। अरे कटा तो चिटक भी गया सही से, नुकसान करा देते हैं जब ये आते, मेरा नुकसान ही करा गया आपने। अच्छा ठीक है, कराया नहीं मैंने, ये आपने कटवाया है, काटा है, इसे फिट करिए। इसे फिट करें? हाँ, अपने आगे का प्रोसेस ही दिखाना है ना, कैसे फिट करेंगे। ये है मशीन जिससे हम लोग अब इसको घिसेंगे और इस फ्रेम में फिट करेंगे। इस मशीन को बोलते हैं ऑटो एजर, इसमें एजिंग बनाते हैं बेसिकली। तो हमने इसका यहाँ से पानी ऑन कर दिया, अब ये ग्लास आप लोग देखिएगा, इसमें फिट होकर दिखाएंगे आपको।
इसमें एक ग्रूव बनी होती है पतली सी, तो इससे जो ग्लास है इसमें इसी शेप की एक वी शेप की ग्रूव बनानी होती है। हम लोग को अभी आप देखेंगे यहाँ पर, ये अभी थोड़ा सा बड़ा है तो अभी थोड़ी सी घिसने की इसको और ज़रूरत है। और ये देखेंगे आप, ये हमारे पास एक ग्लास इसका फिट हो गया। भाई ये क्या कर रहे हैं? ये ग्लास पर पॉलिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए ग्लास में। तो फाइनली यहाँ पे हमारे ये ग्लासेस बनके तैयार हैं, पूरा प्रोसेस आपके सामने हुआ और देखो फ्रेम में एकदम फिट है। वैसे मेरे नंबर के लिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। अरे दूसरा वाला देखो कितनी ज़बरदस्त फिटिंग आई है, और आपने अपनी आँखों से देखा, सामने से देखा कि ग्लासेस कैसे बनते हैं, कैसे कटिंग होती है, कैसे फिट किए जाते हैं, ये मेरे नंबर का नहीं था। और हाँ, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है इन कॉन्टैक्ट लेंसेज का, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में है। इनके समय मैं ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, और इनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है फैशन के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दबा देना। और हाँ, यहाँ पे कई सारे सनग्लासेस हैं, इनमें से भी कुछ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको पसंद आता है तो ले सकते हैं, है ना अमन भाई? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। इनके सालिमार ऑप्टिकल्स हैं ठाकुरगंज खोया मंडी के सामने। कुछ भी लेना हो जरूर से आना, डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इनका नाम बताएंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? हाँ, इनके दुकान की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आ सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय बाय।